नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। हरियाणा में चल रही ई टेंडिंग विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई टेंडिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई टेंडिंग से ही होंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की भी शक्तियां बढ़ाई गई हैं। उनकी कार्य क्षेत्र का दायरा सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि ई टेंडिंग से जो काम होंगे, अगर उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। सीएम ने कहा कि जो कोटेशन से काम होंगे उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी सरपंच की होगी। गुणवत्ता के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों के वेतन में भी इजाफा किया है। साथ ही सीएम ने सरपंचों का वेतन 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा कि सरपंचों को बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल महीने से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उनका वेतन 1000 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है। सरपंचों का जब चुनाव हुआ उस समय भी कुछ बातें हमने घोषित की थी। एक विचार ऐसा इस बार बना था कि ये सारे काम जनता के जो लिए काम किए जाते हैं उनको अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना और जो काम ठीक न करे उसको जवाबदेह बनाना, इसका भी हमने एक अभियान लिया है। जितना पैसा हम भेजेंगे, अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है तो टेक्नोलॉजी से हर चीज को मॉनिटर भी किया जा सकता है। वो समय अब खत्म हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता नीचे 15 ही पैसे पहुंचते हैं। अब तो टेक्निकली 1 रुपया अगर भेजा जाएगा तो 1 ही रुपया खाते में नीचे जाएगा, बीच में कोई स्कोप नहीं है उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले। तो इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी। और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बिना ही करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम है वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं, 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं, 2 लाख रुपए बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। सो फार सो, अभी 2 दिन पहले हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ। और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में हमको जो हमारा स्टैंड है ठीक है कि नहीं है, तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजाकर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा, वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। तो ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं, तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपए कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे, 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे। हाँ, 5 लाख तक के काम जो हमारी बातचीत तो सारे प्रतिनिधिमंडल से हुई है, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि जो भी कोटेशन का काम होगा, लिमिट चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑडिट ये जरूर होगा। और ऑडिट का सिस्टम भी अब जिसको कहना चाहिए कि ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा, ऑनलाइन प्रणाली से ही उसके जो एस्टीमेट है वो तैयार किए जाएंगे, ऑनलाइन उसकी MB भरनी होगी, बिल भी अपलोड होंगे, भुगतान जो है वो भी एक कॉमन पोर्टल से होगा। विषय आएगा रेट का। रेट्स 2 प्रकार के ये प्रचलित हैं, एक है HSR रेट्स, हरियाणा शेड्यूल्ड रेट्स, दूसरे हैं DC रेट्स। लोकल लेवल पर DC रेट शायद इसीलिए बनाए गए हैं कि हर जिले में इस प्रकार की चीजों के रेट थोड़े डिफर करते हैं, चाहे रेत का रेट है, चाहे ईंटों का रेट है, चाहे मानो टाइल्स का रेट है, क्योंकि जो बल्की मटेरियल होता है उस रेट को वहां के लोकल परिस्थिति के हिसाब से रखना पड़ता है, उसका फ्रेट कितना लगता है, कितनी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए एक ही रेट नहीं रखा जा सकता। जहां ईंटें बनती हैं वहां थोड़ी सस्ती मिलेंगी, जहां ईंटें बनती ही नहीं है दूर से आती है तो स्वाभाविक है ईंट के रेट से एक बहुत बड़ा प्रतिशत उसका फ्रेट में जाएगा। यही स्थिति मिट्टी की, रेत की,
इंटरलॉकिंग टाइल्स की कभी कभी मजदूरी भी अलग अलग होती है, कुछ स्थानों पर मजदूरी सस्ती होती है, कहीं कहीं एनसीआर एरिया में मजदूर महंगा मिलता है, तो उन रेट्स का थोड़ा डिफरेंस ये हमेशा रहता रहा है। इसमें अब उनकी मांग क्या थी कि इन रेट्स को रियल लेवल पर लाया जाए जो मार्केट रेट है। हमने निर्णय करके उनको बता दिया है कि कुछ आइटम्स, खास करके जैसे इंटरलॉकिंग आइटम्स हैं या ईंटें हैं, जो एक स्टैंडर्ड कुछ तय किया जा सकता है उसका, इसका रेट कंट्रैक्ट करेंगे हर जिले का, ब्लॉक का है जिले का, सर जिले का है सर। हाँ। उसे ब्लॉक लेवल पे अगर कोई वेरिएशन आती है तो कैप्चर करते हैं, बट ये डीसी रेट जो ब्लॉक लेवल पे करते हैं, इंटरलॉकिंग का जो रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस रेट से सस्ता कोई लेना चाहे लेके लगा सकता है, क्वालिटी जो तय होगी उसका पैरामीटर तय होगा वही ली जाएगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ नेगोशिएशन करके सस्ता भी लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेट वही होगा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज टेंडर करेंगी, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और रेट मैचिंग जो करेंगी L1 को, उनको सबको सप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा, किसी से भी मटेरियल जो है वो लिया जा सकता है। फिर इसकी जो गुणवत्ता की जांच करने के लिए सोशल ऑडिट सिस्टम, इसको हम स्थापित कर रहे हैं, अगले 6 महीने के अंदर इसका विधिवत एक सिस्टम बन जाएगा। वही गांव के प्रमुख लोगों की टीम बनेगी, वही उसका ऑडिट करेंगी, जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड लोग होंगे, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि होंगे, जो एक सहमति के आधार पर ग्राम सभा को भी बताया जाएगा, उसमें भी अगर कोई गलत आदमी आया तो उसको बाहर करके ग्राम सभा की जो बैठक है उसके अंदर उसको सैंक्शन कराएंगे। ये आपकी यहाँ की सोशल ऑडिट टीम है। वैसे सोशल ऑडिट के माध्यम से भी जांच की जाएगी, और एक हमने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी ये बनाने का भी शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएगी। छोटे बड़े प्रदेश में जो भी काम है सबकी क्वालिटी को एक प्रकार से उसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो क्वालिटी असेसमेंट अथॉरिटी होगी ये अपना मैकेनिज्म खड़ा करेंगे, कहीं भी चलते हुए काम में भी वो चेक करेंगे, चलते हुए काम के बाद यानी पूरा होने के बाद भी शिकायत मिलती है तो एक क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। नहीं नहीं ये तो सबके लिए, पूरे प्रदेश में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी हर सिविल वर्क के लिए, वो पंचायती पर भी लागू होगा बाकी भी लागू होगा। और ये जो 5 लाख रुपए की राशि की लिमिट बनाई है नेगोशिएशन की, इसमें चाहे वो 5 लाख या 5 लाख से कम के काम हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर काम 5 लाख होगा, 2 लाख के भी होंगे, 3 के भी हो, 1 का भी होगा, तो ऐसे कोटेशन के आधारित कुल जो काम है उसकी मैक्सिमम लिमिट तो 25 लाख है बड़ी पंचायतों के लिए, लेकिन जो छोटी पंचायतें हैं उसका 1/3 से ज्यादा ये उसमें से नहीं करा पाएंगे। मानो कुल मिलाकर के है ही 50 लाख रुपया किसी पंचायत के पास, तो 17 लाख रुपए के काम वो उसमें से कोटेशन पर करा पाएंगे, बाकी काम ई टेंडरिंग से ही कराएंगे। तो ऐसे इसमें कोई और नया कोई सुझाव आएगा, मानो बहुत छोटी पंचायतें भी कहीं कहीं है ही 5-7 लाख रुपया साल का जाता, मानो 1000 की आबादी होगी तो उसमें 1000 की आबादी में 2000 के हिसाब से कितना हुआ, 20 लाख, हाँ तो 1000 की आबादी में 20 ही लाख रुपया जाएगा, तो उनके काम भी उतने छोटे छोटे उतने ही होंगे। अगर वहां बड़े काम का स्कोप नहीं होगा तो छोटे काम का दोबारा से भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी पहले चरण में हमने ये सोचा कि कोटेशन के काम जो है वो मैक्सिमम तो 25 लाख, लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं, सालाना मतलब 75 लाख है तो 25 बन गया, अगर 20 है तो फिर वो 7-1 साधा, अगर 75 लाख से ऊपर भी किसी गांव का अलॉटमेंट है तो 25 लाख का काम करा सकता है। भाई ये 1/3 नहीं है, हमारे निर्णय में ये 50% है, 50% यानी 50% 50 और 25 आप बताइए, 20 का 10 कर सकते हैं, हाँ 20 का 10 कर सकते हैं, 50 का 25 कर सकते हैं, विच एवर इज लोअर यानी अगर मान लो 1/3 के हिसाब से 30 होता तो 10 कर सकते हैं, लेकिन 50 होता तो 15 कर सकते हैं, थोड़ा लिमिट बढ़ जाती है इससे 50%। अब काम दोनों प्रकार के हैं, कुछ ई टेंडरिंग से होंगे, कुछ कोटेशन से होंगे। ई टेंडरिंग के जो काम होंगे उसकी क्वालिटी, उसका बाकी सब, कोई भी शिकायत आएगी उसकी क्वांटिटी क्वालिटी में किसी प्रकार की, उसकी जिम्मेवारी अधिकारी की होगी, जो
जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो उसकी गुणवत्ता को यानी तकनीकी रूप से जो जिम्मेवार है जो साइन करेगा जो उसको फाइनल करेगा वो उसकी होगी, लेकिन जो कोटेशन के ऊपर किए जाने वाले काम है इसकी जिम्मेवारी सरपंच की होगी, क्योंकि कोटेशन का काम सब उसी के ऊपर आधारित है, उसने किससे काम कराना है, कैसा काम हुआ, कैसे उसने मटेरियल लगाया, क्या किया, तो वो जिम्मेवारी सरपंच की होगी। इसलिए अब सोचना सरपंच ने और पंचायत ने है कि हम अपने इस काम को कोटेशन के आधार पर भी कराएं या ई टेंडरिंग में ही जाएं, जैसा उनको ठीक लगेगा। यानी जो मिनिमम 25 लाख वाला काम 6 लाख से या नीचे या 50% वाला, उसमें भी अगर उनको लगता है कि हमें काम सेफली होने में दिक्कत नहीं आ रही तो करें, अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें तो हमें ही कठिनाई आ रही है तो फिर ई टेंडर में चले जाए, छोटे काम भी चले जाए, 25 लाख तक भी ई टेंडरिंग में जा सकते हैं, जा सकते हैं, उससे नीचे वाले तो जा ही सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते, 5 लाख से ऊपर के तो ई टेंडरिंग है ही है। एक विषय था कि इनको जो मानदेय हम देते हैं उस मानदेय को बढ़ाया जाए, तो हमने उसको भी अप्रैल से जो मानदेय उनको मिलेगा अब आगे 3,000 रूपये से बढ़ाकर सरपंच के लिए 5,000 रूपये किया है, और जो पंच है उसका मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 1,600 रूपये किया है, और इसको डीए रेट से आज जोड़ दिया है। यानी जो बेसिक 3,000 और 1,000 है इसके ऊपर डीए, जैसे आज के रेट में वैसे तो डीए 40-42% ही है, 42%, तो 42% के हिसाब से तो ये बनता 4,200 रूपया, लेकिन अभी हमने उसको 5,000 कर दिया है। इसी प्रकार से 1,000 का भी वो 1,400 बनता उसको 1,600 कर दिया, तो ये डीए बढ़ते बढ़ते 60% से जब ऊपर हो जाएगा तब उनका उस डीए के हिसाब से जो उचित होगा वो फिर 5,000 से भी ऊपर वो जा सकते हैं सरपंच, और ये 1,600 रूपये से भी ऊपर जा सकते हैं एज पर कैलकुलेशन ऑफ डीए। ये इनके रेट हर 6 महीने के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे, कार्यकाल कभी किसी का कितना ही हो, लेकिन अभी जो बेसिक 2016 के रेट से ये बढ़ेगा 2026 में इसको फिर रिवाइज किया जाएगा। जैसे कर्मचारियों का होता है हर 10 साल के बाद रिवाइज होता है, डीए चलता रहता है, बाद में 10 साल बाद डीए को मर्ज कर देते हैं और फिर बेस रेट 10 साल का दोबारा से शुरू होता है। तो हमने पराया और भी जहां जहां इस प्रकार के विषय हैं बजाय हर दिन कोई डिमांड रखे, तो एक बार तय किया फिर उसके बाद 10 साल तक डीए रेट्स। हमने तो इवन जो हमारे विधायकों की जो पेंशन है उसको भी डी रेट्स साथ जोड़ दिया है। ऐसे ही मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो मिनिमम वेजेस तय होते हैं उसको भी डीए के साथ नहीं बल्कि उसको सीपीआई, सर डीए भी सीपीआई के ऊपर लगभग वैसे ही होता है वो, लेकिन वो टर्म अलग अलग है। इसलिए इसी प्रकार ग्राम सचिव की जो एसीआर लिखी जाएगी उस एसीआर पर भी सरपंच को अपनी टिप्पणी देने का अधिकार होगा कि उस ग्राम सचिव का व्यवहार कैसा है, उसके लिए एक रिमार्क्स के लिए, और वो रिमार्क्स देख करके ही उसकी एसीआर जो अधिकारी है उसको हिसाब से लिखेंगे। फिर बिजली के जो बिलों के ऊपर 2% का हमने एक पंचायत कर लगाया है, उसको भी पंचायतों को रेगुलर 3 महीने में दिया जाएगा। अभी तक जो पिछला बचा हुआ है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद सब कैलकुलेशन करा रहे हैं, तुरंत पिछला जो एरियर है वो भी उनको मिलेगा आगे हर 3 महीने में, क्योंकि बिजली के जो बिल होते हैं वो उनसे लेने होते हैं, पंचायत घर का बिल है, कोई ट्यूबवेल का बिल है, कोई स्ट्रीट लाइट का बिल है, जो भी है ये सारे पंचायत से लेने होते हैं, और जो उनके एरिया में जितना भी बिल बनता है एग्रीकल्चर को छोड़कर उसका 2% उनको देना होता है, उनका दे होता है उनकी तरफ, तो कम ज्यादा होगा वो हर 3 महीने उसके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरपंचों को एक और बड़ा तोहफा भी दिया है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों के अधिकार में बढ़ोतरी करते हुए ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ई टेंडिंग को लेकर केवल भ्रांतियां फैला रहा है, जबकि इस व्यवस्था से कामों में पारदर्शिता आएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में कराए जाने वाले कामों का सरकार ऑडिट कराएगी, इसके साथ ही कराए गए कामों का सरकार ग्राम सभा में भी फीडबैक लेगी। कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी। चलते हुए कामों का टीम निरीक्षण करेगी, सरकार के इस कामों से गांव में विकास की धारा बहेगी। एक तो जब से चुनाव हुआ लगभग 1 क्वार्टर का समय शेष था, क्योंकि नवंबर में शायद चुनाव हुए थे, दिसंबर आते आते इनका ओथ हुई थी, तो जनवरी से लेकर और मार्च तक ही काम के समय बचते थे, फिर भी हमने
जो एसएफसी का लास्ट क्वार्टर का पैसा है उससे भी ज्यादा पैसा कुल 1100 करोड़ रुपया इनको एलोकेट किया था तीनों को, जिसमें जिला परिषदों का 110 करोड़ रुपये था और पंचायत समिति का 165 करोड़ रुपया और पंचायतों का 850 करोड़ रुपया। तो ऐसा ये 1100 करोड़ रुपये की राशि हमने भेजी थी। इस राशि को एसएनए अकाउंट उसके अंदर जमा कराया गया था। एसएनए अकाउंट एक ज्वाइंट अकाउंट होता है और उस ज्वाइंट अकाउंट में से ही और ये लोग अपने अपने काम के हिसाब से उसमें से पैसा ये निकाल सकते हैं। जो काम हो जाएंगे या जिनके टेंडर हो जाएंगे उसका पैसा उसमें रिजर्व हो जाता है। और उसमें जिला परिषदों को हमने कई जो उस दिन निर्णय किए हैं, पहला तो हर जिला परिषद का अलग से अपना कार्यालय होगा 22 के 22। अभी कहीं एडीसी कार्यालय में बैठते थे, कभी डीसी कार्यालय में दो कमरे होते थे, कहीं कहीं कोई किराया वराया पर लेकर रखते थे, लेकिन हमने हर एक जिला परिषद का अलग से कार्यालय हो, सीओ वहां सरकारी अधिकारी बैठेगा और जिला परिषद चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनका अपना एक वहां सिस्टम होगा, मीटिंग्स वहां करेंगे, उनका स्टाफ वहां बैठेगा। तो ये सारा एक विषय किया गया है। इंजीनियरिंग विंग की जैसे मैंने बताई उसका गठन किया जाएगा। कर्नाटक में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है जिला परिषदों का, वहां अच्छी सशक्त है। और हमने ये भी किया है कि कुछ प्रतिनिधि जिला परिषद का एक आध आदमी, एक आध पंचायत समिति का, सरपंचों में से भी और कुछ हमारे अधिकारी जहां जहां पंचायती राज सिस्टम अच्छा है उसको अध्ययन करने के लिए भी जाएंगे, ताकि वहां क्या अच्छा है उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हैं देश भर में उनको अडॉप्ट करेंगे। ये हमने तय किया है। जिला परिषद को हमने जो कुछ काम उनको जिम्मे लगा दिए हैं, जिसमें जिला परिषद रेस्क्यू शेल्टर्स, ई लाइब्रेरीज और शिवधाम योजना के अंतर्गत जो शमशान घाट और कब्रिस्तान के जो चार काम हमने तय किए हैं वो सब, इसी प्रकार से खेत खलियान योजना के अंतर्गत जो 5 क्रम के रास्ते हैं उनको भी अब जिला परिषद ही पक्का करेंगी। पहले अब ये 5 क्रम के जो रास्ते थे, 5 क्रम के तो हैं मार्केटिंग बोर्ड के, 4 क्रम या इससे नीचे के ये जिला परिषद करेंगी। और मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस रिपेयर ये जिला परिषद करेंगी। हर ब्लॉक में 5 बड़े गांव जिनकी सबसे ज्यादा आबादी है या 10,000 के आबादी के सब गांव, अगर वो 5 से ज्यादा भी है ब्लॉक में तो वो भी उसके अंदर स्ट्रीट लाइट लगाने की जो व्यवस्था है ये जिला परिषद के द्वारा कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी स्कूल मरम्मत का कार्य ये भी जिला परिषदें करेंगी। आंगनवाड़ी भवन तथा उसका रखरखाव, मिड डे मील योजना की मॉनिटरिंग और इसका फीडबैक ये भी सब जिला परिषद के जिम्मे लगाया है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी जैसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज कराती हैं, वैसे जिला परिषद घर घर कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया वो भी उनके माध्यम से शुरू कराई जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े को जो अलग अलग उसका निष्पादन करना है, सेग्रीगेशन करना है, वो भी उनके द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वच्छता व्यवस्था का जो बड़ा काम है ये जिला परिषदों के माध्यम से और इसको इनिशिएट किया जाएगा। और अब हम हर महीने में जिला परिषद के जो सीईओज हैं और चेयरमैन हैं उनकी मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में एक ज्वाइंट मीटिंग इनकी हुआ करेगी, ताकि इनके काम का एक मूल्यांकन ये समय समय पर लगातार हम करते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम अभी तक यानी प्रदेश सरकारों के डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ही इनिशिएट किए जाते थे, लेकिन इकाइयां बहुत हैं, 6,220 पंचायतें हैं, 150 के लगभग ब्लॉक्स हैं, 22 हमारी जिला परिषद हैं, तो इतने बड़े इकाइयों के काम को डिसेंट्रलाइज करके जितना ज्यादा कराएंगे उतना सेवाओं का लाभ जनता को अधिक मिलेगा। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब पंचायतों में विकास के कामों के लिए बिजली के बिल पर 2% का भुगतान पंचायतों को दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में भी पंचायतों को 1% हिस्सा दिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि सरकार पंचायतों के हित में काम कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में ई टेंडरिंग का विरोध करने चंडीगढ़ जा रहे सरपंचों को
पुलिस ने पंचकुला में ही रोक लिया था। सरपंच पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सरपंचों ने धक्का मुक्की कर दी। सरपंचों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें मारी और जमकर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 16 सरपंच घायल हुए थे। वहीं कई दिनों से ई टेंडरिंग का सरपंच विरोध कर रहे थे। फिलहाल जो है हरियाणा सरकार ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और क्या कुछ नए बदलाव किए हैं वो हमने आपको आगे की वीडियो में दिखा दिया है। तो अपील यही रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही फेसबुक पर वॉइस ऑफ पानीपत के पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।